पर ये है कि वो वायरल होने के बाद अब उन्होंने वीडियो भी बंद कर दी, तो जैसे आप वायरल हो गए तो आप भी वीडियो बंद कर दोगे क्या? हम ये वायरल होने नहीं, हम अपने टेस्ट को वायरल करने आए हैं। बहुत बढ़िया, जितना आप मेरे टेस्ट को वायरल करोगे मैं उतना आप लोगों का साथ दूंगा। हम लोगों ने उनको वायरल करा और आज वो हमारी वीडियो बड़ा पाव स्पेशल गर्ल द्वारा तो द्वारा धक्के दिए जा रहे हैं। भगवान जितनी तेजी से ऊपर पहुंचाता है ना, घमंड उतनी तेजी से जमीन पे भी लाता है। कभी हमारा अंगूठा हमारी उंगलियों की बराबरी कर सकता नहीं, हमें वो काम नहीं करना, हमें अपना टेस्ट देना है बस। मैं मतलब वायरल होने के बाद एटीट्यूड तो नहीं आ जाएगा? देखो मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी शांत बिल्कुल भी। आप ये चीज मेरी 10 बार रिकॉर्ड करना कि वड़ा पाव का ट्रेंड चल रहा है, सब यहीं पे आ रहे हैं, हम भी अपना वड़ा पाव यहीं लिया है। अच्छा, तो पहले कहाँ लगाते थे आप? अवंतिका। अवंतिका में तो वड़ा पाव ही लगाते थे कि कुछ और लगाते थे? वड़ा पाव ही था, बट मेरे हस्बैंड लगाते थे। तो ये साथ में खड़े आपके हस्बैंड है? हाँ जी सर। क्या करे, सारा क्राउड यही है, सब यही आ गए हम भी साथ में। तो दीदी ऑयल वगैरह क्या यूज कर रहे हैं आप? फॉर्च्यून का। फॉर्च्यून का, और कैसा रिस्पांस है मैम यहाँ पे? ठीक है। आप सहमे सहमे क्यों बोल रहे हो, डर लग रहा है आपको किसी से? मेरी है बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी। अच्छा, मैडम ने तो नहीं बोला आपको बड़ा पाव वाली मैम ने? वो क्यों बोलेंगी मुझे, वो तो मुझे जानती भी नहीं। जानती नहीं है तो फिर मैम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? सर बोलते नहीं हो क्या आप? सर ऐसी कोई बात नहीं, हम तो वड़ा पाव का ट्रेंड चला रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं अपना, सब अपना अपना टेस्ट में लगे हुए देने के। सर हम भी अपना एक छोटा सा टेस्ट दे रहे हैं, और क्या अच्छा लगेगा तो दोबारा आएगा। तो स्पेशल आपने क्या करा कुछ? आज के कुछ यही है कि हमने कुछ उसमें मसाले कुछ ऐसे ऐड करे हैं जो मुंबई से टच में है। अच्छा ओके। हाँ जी, तो एक दो नाम बताओगे मेरे को थोड़ा? सर वो सीक्रेट है। तो भाई लाली पाव और दिल्ली के पाव में क्या अंतर है? क्या दिल्ली का ही पाव है, दिल्ली का सबसे बेस्ट पाव है। हमारे पाव की स्पेशलिटी ये है, हम दिल्ली से ही बेस्ट बर्गर बनाते हैं। हमने तो सर मुंबई का भी खाया है, पुणे का भी खाया है, नासिक का भी खाया है, सब जगह का वड़ा पाव खाया है। आपने सीखा था कहीं से वड़ा पाव बनाना? नहीं सर, एक्चुअली मैं मेरी वाइफ को मैं ले गया था बॉम्बे घुमाने। ओके। तो नासिक पुणे वगैरह में वहाँ वड़ा पाव खाया, तो मेरी वाइफ को थोड़ा सा वड़ा पाव लिया कि वड़ा पाव दिल्ली में लेके जाना चाहिए। तो बस सर हम थोड़ा लेट हो गए, वो थोड़ा पहले आ गए, बस यही फर्क है। आपको आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सुपर फास्ट से आना चाहिए था। हाँ सर जाना तो चाहिए था, क्या पता आज उनकी जगह हम होते। सही बात, आप जल्दी पहुंच जाते। बिल्कुल सर बिल्कुल, बाकी सर ऊपर वाला मालिक बैठा है। आपने अपनी किस्मत का खाते हैं टाइम के अनुसार, बच्चे सुपर फास्ट की तरह बढ़ नहीं सकते। ये गली वैसे कपल गली ज्यादा हो गई है, कपल बहुत आ रहे थे ना यूट्यूब पे प्यार लेके। बिल्कुल, बड़ा पाव गर्ल आई अपने हस्बैंड के साथ आई, आप आए वो भी आप हस्बैंड के साथ आए। हमें वो काम नहीं करना, हमें अपना टेस्ट देना है बस। मैं मतलब वायरल होने के बाद एटीट्यूड तो नहीं आ जाएगा? देखो मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी शांत बिल्कुल भी। आप ये चीज मेरी 10 बार रिकॉर्ड करना। क्या मतलब ज्यादा है आपको? वड़ा पाव किस नाम से? सिद्धि विनायक के नाम से। देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप ब्लॉगर्स जा रहे हैं, फूड ब्लॉगर्स, वहाँ वहाँ भीड़ जा रही है, और जहाँ से फूड ब्लॉगर्स हट रहे हैं वहाँ से भीड़। सब आपकी की कृपा है सर, सब आप ही कृपा। देखिए ना छट रही है भीड़। हाँ जी हाँ जी, मैं कहता रहा हूँ सर, सब आप ही कृपा है। टेस्ट के पीछे दुनिया भाग रही है, ब्लॉगर भी भाग रहे हैं, क्या टेस्ट है हमारे। तो सर देखो काम है वो, हमें तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, ये आपका काम है। देखो जो ज्यादा टेस्ट अच्छा देगा पब्लिक उसी के पास जाएगी। एटीट्यूड रख के तो पब्लिक किसी के पास भी नहीं जाएगी। बिल्कुल सर। अब आपके यहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट वेट भी कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, फिर भी वो चीज। ये काम ना व्यापार जो होता है ना वो व्यवहार से भी चलता है, जरूरी नहीं है आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो। खाने पीने का तो काम ऐसा है कि आप प्यार से खिलाओगे तभी कोई खाना पसंद करेगा। सही बात है। और एटीट्यूड या फिर किसी और चीज से खिलाओगे कोई नहीं खाएगा। आने वाले समय में क्या आप भी सेल्फी के लिए समय दे पाएंगे लोगों को? हाँ जी, आने वाले समय में आप भी क्या सेल्फी के लिए समय दे पाएंगे लोगों को? सेल्फी मैं अपना, हमने देखा अभी मुंबई वड़ा पाव, देखो कोई वायरल होता है तो 101% आपको सेल्फी तो देनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे वड़ा पाव पर मेरे टेस्ट को वायरल करूं, मैं अपने वड़े पाव की सेल्फी दूंगी। तो आपने वायरल वड़ा पाव ट्राई किया अभी तक कि नहीं किया है? नहीं किया। नहीं किया, करना चाहोगे? हाँ, मेरे पास मौका नहीं मिला, मेरे को मैं बता रही 4 से 5 दिन में लाइन में भी हम आए यहाँ पे, मगर इतना वो ही नहीं था, और जब क्राउड खत्म हुआ था वड़ा पाव खत्म हो गया फिर हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ बगल में खड़े हैं, जब मौका मिलेगा लेकर आएंगे। हमने पूरी कोशिश कर रखी है 4 बजे से, और एंड हमारा कल तो रात में 12:30 बजे तक हुआ। 12:30 बजे तक? 12:30 बजे, क्या बात है मैम, ऐसे नहीं लगता। और एड्रेस तो मैम कह सकते हैं, रमाडा के पीछे महाराष्ट्रन वाली गली, ये एपीजे स्कूल ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं महाराष्ट्र वाली गली मैम, नहीं क्योंकि वड़ा पाव वाले सारे यहीं आ गए हैं। तो अभी इधर देख सकते हैं वड़ा निकाला जा रहा है। और मैम ये जो आप घोल है तो ये किस चीज का रहता है आपके यहाँ? बेसन का। और क्या क्या मिक्स करते हैं इसमें आप? नमक मिर्ची और। अच्छा वैसे तो देख सकते हैं इधर वड़ा निकल रहा है इधर। तो आलू आपका नॉर्मल रखते हैं कि मतलब कुछ मसाला वसाला भी ऐड करते हैं? होती है उसमें सब डिफरेंट चीजें, वो बता नहीं सकते।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं अच्छा, तो देख सकते हैं आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए वड़ा निकल रहा है, ये देखिए हाँ, तो बढ़िया इधर गर्मा गर्म वड़ा निकाल लिए। अच्छा बैटर आप घर पे रेडी करते हो, तो बढ़िया इधर देख सकते हैं, ये देखिए वड़ा जा रहा है बेसन में, और देख सकते हैं इधर बढ़िया गर्मा गर्म, तो देख सकते हैं आप इधर बढ़िया वड़ा हमारे सेक चुके हैं, ये देखिए। अच्छा हाफ आप ही आपने हाफ रेडी करे, तो आपके पास कौन कौन से टेस्ट के रहते हैं? हमारे पास एक बटर वड़ा, अच्छा बटर वड़ा पाव, तो मैम आप यहाँ पे कब से लगा रहे हो? आज थर्ड डे आप, तो आपको वो कैसा रिस्पांस लगा दो दिन? अच्छा अच्छा था, रिपीट आ रहे, रिपीट आ रहे, एक तो आज वेट ही कर रहे हैं। अच्छा वो कल खाके गए, तो एक वड़ा पाव मेरे लिए भी लगा दीजिएगा भैया। तो देख सकते हैं इधर पाव रेडी कर रहे हैं, वड़ा पाव रेडी हो रहा है, और ये देखिए बढ़िया बटर में जा रहा है। तो मैम कौन सा बटर यूज करते हैं? अमूल बटर, तो देख सकते हैं इधर नहीं है, बहुत अच्छे से भर भर, ये देखिए भाई, और देख सकते हैं ये क्या लगा रही मैम? ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी है ये, और ये क्या आपका? कच्ची मसाला। अच्छा ये तो ये क्या, ये वो आपका लहसुन से आप रेडी, लहसुन वाला रहता है शायद ये, और देख सकते हैं बढ़िया वड़ा जा रहा है, और ये मेरा कुछ स्पेशल है फ्लेवर के लिए। अच्छा तो ये आपका कितने का रहता है मैम वड़ा पाव? ये 50, 50 का रहता है, और विदाउट बटर भी रहता है कि मतलब विदाउट बटर अगर किसी की डिमांड होती है खाने की, इससे कितने लोगों के कोलेस्ट्रॉल की इशू होता है। अच्छा तो आप वैसे बनाते हैं चटनी? थैंक यू मैम।